एक लगा पे घर भी करेंगे। हमारा करेगा कि हवा दिया गया आखिर जो है आपका विशेषता जो टैंक में पारा क्यों कर रहे हैं हाँ सर, दो मिनट आप लोग इनकी बातों को सुन लीजिए आकर के बता रहे हैं। हम बिल्कुल सारी जानकारी सर है क्या कि हम लोग तो 2012 से कर रहे हैं। एक मिनट जो आने दीजिए सर, ग्रुप में शेयर कर देंगे। 2012 से आने के हम लोग ये कर रहे हैं, लेकिन विभाग से हम लोग जुड़े 3 से 4 साल हुआ है और पता नहीं था हम लोग, जिस कारण से हम लोग थोड़ा सा पीछे थे। और टैंक में है क्या कि इसमें जगह बहुत कम लगता है, पोखर में जगह ज्यादा लगता है, इसीलिए टैंक में एक टैंक में मोटा मोटी 4 से 5 हजार मछली पाला जा सकता है। सिंगी हो गया, कवाई हो गया, पबदा हो गया, झींगा हो गया, ये सब अन्य कल्चर का मछली हम लोग इसमें कर सकते हैं। एक ही लाट में टोटल मछली आ जाता है क्या सर? नहीं, अलग अलग मछली जो है, जैसे सिंगी बोले और सब मछली के बारे में बोले, सब मछली एक ही टैंक में आ जाएगा? एक ही टैंक में नहीं है, जैसे 5 टैंक है तो 5 तरह का डाल सकते हैं। अलग अलग आप एक मछली डालना चाहें तो सब अलग अलग डाल सकते हैं, लेकिन एक टैंक में 4 से 5 हजार आप पाल सकते हैं, ठीक है। और पोखर में है क्या कि कम से कम 1 कट्ठा जमीन में 2 हजार ही मछली पाल सकते हैं, 1 कट्ठा जमीन में 2 हजार ही पाल सकते हैं। और यहाँ 2 कट्ठा जमीन में आप 60 टैंक बैठा के आराम से 35 हजार मछली पाल सकते हैं, जगह का बचत हो जाता है। और बायोफ्लक में है क्या कि आप ऑक्सीजन लगा दिए, जो सेटअप भी देख रहे हैं, सारा कुछ लगाने के बाद ज्यादा माने इसमें मेहनत का जरूरत नहीं है और देख रेख का भी ज्यादा जरूरत नहीं है। और पानी बनाने के लिए इसमें नमक लगता है, गुड़ लगता है, परवाइटिक लगता है, ये सब देकर पानी बनाया जाता है। पानी बनाने के बाद तब इसमें मछली डाला जाता है, तब ये सब अवेलेबल हो जाएगा। परवाइटिक हम लोग के पास सभी अवेलेबल हो जाएगा, ओपन मार्केट में आपको मिलेगा सर, कलकत्ता जी, यहाँ कलकत्ता। अच्छा, इसमें जो सब जीरे ने बताया कि छोटा बच्चा मतलब बड़ा भी इसी में हो जाता है? इसी में सब पाला जाता है। अच्छा, जीरा डाला जाता है कम से कम 1/2 इंची 1 इंची, जो साइज का आप डालना चाहें उस साइज का आप डाल सकते हैं। तो उसमें होता है क्या कि आप 1 इंची का डालिए, 2 इंची का डालिए, या चैन के लाइन लाइन के हिसाब से मछली आता है, मतलब पूरा तैयार करके इसी से लाइन 250 लाइन इसी में पूरा तैयार करके मतलब जो मार्केट के लिए निकाल सकते हैं। अच्छा, साइज होने के बाद चेंज नहीं होगा टंकी में उसका? क्या सर, नहीं समझे? जैसे कि 250 ग्राम 200 ग्राम का हो गया, वो टंकी को चेंज नहीं करना, वो वही टंकी में होगा, जो टंकी में सर डालिएगा उसी में आपका तैयार हो जाएगा माल, कहीं चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फ्राई साइज ही मछली में सिर्फ बनता है, छोटा साइज ही 100 ग्राम? हाँ देखिए, इसमें जो है जो भी कॉस्टली मछली जो है ना मार्केट में, जो जैसे हम लोग सिंगी हो गया, कॉस्टली हो गया, देसी सिंगी, देसी मांगुर, झींगा, पबदा, कवई, ये सब डालने की मछली इसमें पाला जाता है। बड़ा कल्चर वाला मछली डालिएगा वो नहीं पाल पाइएगा, वो उसमें इसमें कम आएगा, वो 500 पीस 400 पीस ऐसे डालेगा। इसमें छोटा मछली जो डालिएगा 3000 4000 5000 तक आप पाल सकते हैं एक टैंक में, एक टैंक, ठीक है। तो इसमें कॉस्टली मछली ही पाला जाता है और बेनिफिट भी
अच्छा खासा है, मार्केट रेट भी अच्छा खासा है उन सबका। तो छोटा मछली का हम लोग कल्चर कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ आप लोग पूछना चाहे तो पूछिए। हमें कॉस्ट कितना पड़ा है आपका टैंकी लगाने में सर? एक टैंकी पर सर कॉस्ट पड़ जाता है 30,000 रुपए। ठीक है, हाँ एक टैंकी पर पड़ जाता है। जैसे टैंकी हो गया, टारपोलिन हो गया, जाली हो गया, आपका एयर पंप हो गया, ये पाइप हो गया, और आपका नीचे फिल्टर लगा हुआ है वो हो गया, रेडिएशन पाइप। और जैसे कि जिसको ओपन पॉन्ड है, खुला तालाब है, अगर वो ये लगाए, वो छोटा बच्चा अगर 200 ग्राम का हो गया तो उसको फिर डाल सकता है उसमें ओपन पॉन्ड में, तालाब में इससे निकाल करके तालाब में। जैसे कि एक कल्चर वाइज होता है ना, कि 2 महीना इसमें रखे, उसके फिर निकाल के 3 महीना उसमें रखे, तो समय कम लगेगा ओपन पॉन्ड में। ये समय तो सर वही लगेगा सब, मतलब एक लाट निकाले मतलब डाले तालाब में, उसके बाद 2 महीने के बाद इसमें लाए जीरा, इसको डाले, वो तब तक जब तैयार होगा तब कर सकते हैं। हाँ, अब उसमें भी रख के इसमें भी कर सकते हैं, इसमें रख के उसमें भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ, ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें का पानी जो है आपको महीना दिन में कम से कम 1 फीट या 2 फीट निकालना पड़ता है, 1-2 फीट नया डालना पड़ता है, वास करना पड़ता है। तो महीना दिन या 15 दिन के बाद ये सब तो पानी जो निकालते हैं फिर से वो पानी को बनाते होंगे उसमें जो बताया कि नहीं, अगर पानी खराब अगर हो जाता है किसी कारणवश, अगर पानी खराब हो गया तो उस पानी को पूरा निकाल कर उसको फिर से आने की बनाया जाता है। मालूम मिला खराब होगा तो फिर मांगेगा आपका पानी, जैसे समझ में आ जाएगा। तो फिर मछली को मतलब मछली को क्या इसमें TDS मीटर आता है, PH मीटर आता है, अमोनिया नापने वाला मास्टर किट आता है, आप उससे पानी चेक कर लीजिए। आपको पानी अगर खराब हो गया बनाने का अगर संभव है तो बना सकते हैं, नहीं तो पानी चेंज करके आप पानी बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मछली को फिर बिना पानी का ही छोड़ दीजिए फिर दूसरे मछली से पानी निकालिएगा तो मछली मरेगा थोड़ी, कुछ देर के लिए। हाँ, कुछ देर के लिए पानी थोड़ी, जैसे मैं आपका पानी निकला, पानी जैसे खराब हो गया निकाल दिए बस सब मछली रह गया। हाँ, इसमें आता है मशीन, आता है इसका टेम्परेचर मशीन आता है, आप लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि फिर सिंगी मछली फिर निकालने के लिए फिर कैसे करते हैं इसी में, मतलब पानी निकाल देते हैं? पानी निकाल दीजिए तो पानी फिर से भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5-10 मिनट में आधा घंटा मछली मरने वाला है सब नहीं, फाइनल जब मार्केट के लिए हो जाता है तैयार तो भी पानी निकाल के प्रॉपर मतलब एक साथ मतलब निकाल देते हैं, तो उसमें ऐसा थोड़ी होगा सब एक साइज का हो गया होगा, कोई छोटा कोई बड़ा होगा? एक साइज का तो नहीं होगा सर, कोई 80 ग्राम का होगा, कोई 100 ग्राम का होगा, कोई 120 ग्राम। छोटा को छोड़ देते हैं कि मतलब जो जैसा हो गया मतलब आपके अनुसार से, अपने अनुसार से जैसे हो जाए कि हम सब छोटों को निकाल दिए तो निकाल दिए। बरसात में पानी गिरता होगा? हाँ, उसके के लिए कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए कहीं लाइन तो होना चाहिए। हाँ, एरिएशन चलाने के लिए, ऑक्सीजन मशीन चलाने के लिए आपको लाइन तो चाहिए। हाँ, लाइन चल गया तो आपका इन्वर्टर पर भी मशीन चलता है, मतलब कुल मिला के मतलब जो ऐसे भी चलाना है आपको मतलब ऑक्सीजन देते रहना है 24 घंटा बिना ऑक्सीजन। इन्वर्टर है तो इन्वर्टर जनरेटर बैठा ही होता है, इसमें जो फ्लोक बनता है ना, एक तरह का बैक्टीरिया बनता है। हाँ, थोड़ा तो उसी बैक्टीरिया को ये लोग खा के, माने कि खाना भी खाता है और बैक्टीरिया भी खा के ग्रोथ करता है, डेवलप करता है। ठीक है, अगर रेडिएशन बंद कीजिएगा तो बैक्टीरिया मर जाता है। ठीक है, वो बैक्टीरिया मरेगा तो आपका पानी खराब हो जाएगा, पानी खराब होगा तो फिर से आपको चेंज करना पड़ेगा, चेंज करके फिर से आपको पानी नया बनाना पड़ेगा। वो पानी बनाने के लिए मोटा मोटी आपको 3 दिन लग जाएगा, 3 दिन का प्रक्रिया अपनाना। मोर्टालिटी होगा क्या सर? मोर्टालिटी थोड़ा बहुत। ये पानी बनता कैसे है? तो उसको? इसमें गुड़ लगता है, नमक लगता है, पहले नमक डाला जाता है सर, एक टैंकी में 1.5 kg नमक डाला जाता है, उसका TDS मीटर होता है, उससे नापा जाता है, कम से कम 1000 TDS होना चाहिए, पूरा सबसे कम 800-900 तक रहेगा चलेगा, वो नाप लिया जाता है कि नमक अगर कम पड़ा तो फिर थोड़ा सा डाला जाता है। पानी मतलब पहले पानी फुल कर देते हैं क्या सर? छोवा गुड़ डाला जाता है जी, पहले इसमें पानी डाल देते हैं उसके बाद ना सब चीज डालते हैं। पहले पानी डाला जाता है, पानी भर के नमक डालाता है, नमक डालने में ये सब नमक नहीं डालाता है, उसका दूसरा नमक आता है। दूसरा कौन सा नमक? तो बिना आयोडीन का नमक आता है सर, बिना आयोडीन का। ये सब जो हम लोग खाते हैं ना, जो ये रेगुलर यूज करते हैं हम लोग, वो सब नमक यूज नहीं होता, नहीं वो भी नहीं चलता। वो कौन सा आयोडीन का आता है? वो ढेला वाला आता है, ढेला वाला गाय माल में खिलाने वाला? नहीं,
वहाँ चलिएगा देख लीजिए कौन सा वो कौन घेगा निकलने वाला तो नमक डाल के 24 घंटे रिएक्शन चलाना पड़ता है ठीक है। उसके बाद गुड़ पड़ता है तब आपका प्रोबायोटिक पड़ता है तब जाकर पानी आपका कंप्लीट होता है ठीक है। यही पानी बनाने का प्रक्रिया नमक गुड़ डालने के बाद कितना दिन के बाद फिर से डाल सकते हैं तीन दिन से चार दिन में आप डाल सकते हैं कहीं कोई दिक्कत। अच्छा जैसे ये टैंक आप बनाए हुए हैं अगर चाहे तो सीमेंटेड टैंक भी बना सकते हैं। सीमेंटेड टैंक में सिर्फ डिजिट आने का ज्यादा संभावना होता है हाँ उसमें गैस का प्रॉब्लम ज्यादा होता है डिजिट मछली का ज्यादा। इसमें डिजिट माने कि 99% नहीं है उतना है लेकिन उसमें 50% आपका डिजिट आने का संभावना रहता है। डिजिट क्या होता है? बीमारी उसमें सीमेंट का जो होता है ना जो भी सीमेंट जिससे भी बना होता है उसका गैस मानिए या जो भी मानिए उसके कारण से मछली में डिजिट ज्यादा आता है। दवाई वगैरह भी देना पड़ता है जब तबियत वगैरह मछली का खराब जी जी रास्ते कैसे मतलब देखिए जब खाना नहीं खाएगा तो समझ में आएगा कुछ ना कुछ इसको हुआ है। तो जिससे आप जुड़े हुए हैं या जिन सर से आप संपर्क है उनको आप दिखा सकते हैं एक बार आपको दिखा दिया जाएगा बता दिया जाएगा तो समझ में आ जाएगा। ऐसे बताने से प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा उसमें बस एक बार घटना घटित होगा तो अपने समझ में आ जाएगा कि ये खाना नहीं खा रहा है तो क्या हुआ है नहीं हुआ है या आप पानी महक रहा है या मछली मर रहा है या फोड़ा फुंसी हो गया या घाव हो गया या छाला टाइप का पड़ गया है ये सब यानी देखने के बाद एक बार दिखा देने से आप लोगों पता चल जाएगा क्या क्या डिजिट है। अच्छा दाना के साथ साथ इसका दवाई भी पहले देते हैं कि कुछ बीमारी होने के बाद ये कुछ प्रॉब्लम होने के बाद तो फिलहाल नहीं देते हैं। एंटीबायोटिक चलता है विटामिन चलता है अच्छा देते हैं। इसके अलावा अगर कोई तरह का डिजिट आया तो फिर दवा चलाया जाता है। पानी में घोल भी पहले डालते हैं वो मतलब सुबह डालने का मेन पर्पज क्या है? पानी जैसे हम लोग खोलोक जो बनाते हैं ना सर जैसे नमक पड़ा और आपका गुड़ पड़ता है प्रोबायोटिक पड़ता है इससे आपका एक प्रकार का बैक्टीरिया बनता है जिसको हम फ्लोक बोलते हैं जिसको बायो फ्लोक जो नाम दिया गया है ना फ्लोक जो बोलते हैं फ्लोक जो देखिएगा आप रेसा रेसा टाइप का हो जाता है ठीक है। उसी को जिंदा रखने के लिए एरिएशन मशीन चलाया जाता है ठीक है। वो एरिएशन मशीन अगर 2-3 घंटा बंद रहा तो फ्लोक मर जाता है और नीचे बैठ जाएगा और पानी क्या होगा वो कैसे आपको समझ में आएगा। छन्नी जो होता है ना छन्नी जब अंदर लगाइएगा ऊपर उठाइएगा ना तो माड़ के तरह एकदम तो समझिए कि हमारा फ्लोक खत्म हो गया। अगर उसको नहीं चेंज करते हैं तो कोई ना कोई डिजिट आ जाएगा आना ही इसीलिए उसको तुरंत चेंज करके और नया पानी बना के फिर से फ्लोक बना सकते हैं और कम कर सकते। अच्छा जैसे कि जिसके पास पोखर अवेलेबल है जी तो वो पोखर में क्या प्रक्रिया होगी? पोखर में देखिए पोखर में फ्लोक बनाने का जरूरत नहीं नहीं ये जरूरत नहीं उसमें सिर्फ TDS नापा जाता है नमक का मात्रा नापा जाता है पोखर में क्या है नहीं है। नमक नापने के बाद उसमें आपको लाल दवा जो आता है लाल दवा आपने समझ रहे ना हाँ वो लाल दवा चलाया जाता है चूना दे दिया जाता है उसके बाद मछली सिर डाला जाता है ठीक है। पोखर में इतना सारा प्रक्रिया और ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है। लाल दवा क्या होता है? तालाब वाला में जब मछली पालते हैं ना लाल दवा आपका जमीन है लेकिन जमीन कम है अब मछली पालना चाह रहे हैं उसमें गड्ढा नहीं करवाना चाह रहे तालाब नहीं बनवाना चाह रहे हैं तो इसके लिए ये है कि कम जगह पे जो है ना घर के आसपास में घर के आसपास में इतना जगह रहता है इतना जगह है तब घर के पास हम तालाब क्यों करें और यहाँ पे मछली पालन करें तो इस तरह से टैंक सेटअप कर लेते हैं इस तरह से हो गया। तालाब एक अलग चीज है। मछली को डेवलप होने में कितना समय लगता है? कितना कितना दिन में तैयार हो जाता है? देखिए सर सिंघी जो है मोटा मोटी 7-8 महीना में तैयार हो जाता है। क्या साइज होगा उसका? उसका 90 ग्राम 100 ग्राम 120 ग्राम मिल जाएगा। 3 क्वालिटी का मछली आपका होगा और कवाई जो है आपको 5-6 महीना में तैयार हो जाएगा। टेंगरा है वो भी आपको 4-5 महीना लेगा सर। कितना समय ले रहा है सर? तब ये बेनिफिट क्या है कितना क्या लागत है और बेनिफिट क्या है? एक टैंकी से सर मोटा मोटी मछली और दाना से 50,000 रुपया लागत है ठीक है और बेनिफिट आपको 6-7 महीना में मछली के ऊपर है। जैसे आप सिंघी डालिएगा तो उसका कल्चर 8 महीना जाएगा। कवाई डालिएगा उसका 4-5 महीना जाएगा। टेंगरा डालिएगा उसका 6-7 महीना जाएगा। तो सब मछली के ऊपर है। टैंक में रेट वगैरह भी पाल सकते हैं? नहीं सर
सात महीने हमें जैसे 50,000 रूपया ये हुआ लागत हुआ जी, बैंक क्या है जो कॉस्टली है जो बता रहे हैं कवई सिंघी फिफ्टी सिंघी भी है 50% आना ही आना, हालांकि 60 का हम लोग हिसाब की तब 10% हम लोग छोड़ के 50% आना ही आना हम लोग जब किए थे तो जानकारी के अभाव में हम लोग एक दो टैंक ही किए थे और जानकारी नहीं था। इस टैंक भी हम लोग के पास खचरी भी अपना है, बच्चा भी उत्पादन होता है और सारा काम होता है, कहीं कोई दिक्कत। बच्चा उत्पादन कैसे करते हैं वहाँ अभी दिखा देंगे। अच्छा है, सरकार की तरफ से क्या क्या इसमें है, तरफ से कुछ है या अनुदान वगैरह से या कुछ भी है? देखिए अनुदान लेने के लिए सब लोग हैं ही और 100% अनुदान है, और 7 टंकी लगाने के बाद ही अनुदान का प्रक्रिया है और सिस्टम है। 7 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
तबे कोई लाभ ले सकते हैं? है नंबर, हम लोग जो है विभाग की तरफ से जो है ना सब्सिडी के रूप में अनुदान के रूप में राशि दी जाती है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि आपका जो लागत है ना तो अन्य वर्ग के लोगों के लिए जो 50% है, ठीक है ना। और SC ST और EBC जो अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों है उसके लिए जो है 70% है जो लागत है उसमें। तो ये योजना सब आते रहती है तो इसलिए भेज दीजिए करा है, भेज दीजिए बनवा देते हैं, ये बता देंगे आपको। आपका ये जो टोटल जो कॉस्ट है ये सब एक एक का बता दीजिए, ठीक कॉस्ट ठीक लिख दीजिए ना, लिख के भेज दीजिए ना। पूरा प्रोजेक्ट जोड़ लीजिए सब इसके हिसाब से 30,000 में आपका ये देखिए गवर्नमेंट का क्या गवर्नमेंट का इसमें अनुदान मिलेगा आपका ये आपका मेथ आ जाता है आपको लेना जाता है आपका जो लागत है उसको 50% हम 2 लाख का लेंगे 2 लाख की 250 एक टैंक का हम 2 लाख लागत नहीं जो आपका 30 का है 30 ही लागत रहेगा ना आपका वही तो हम पूछ रहे हैं एक एक टैंक कैसे 2 लाख का बनवाएंगे तो आपको लागत लग रहा है उसी के हिसाब से हम सिस्टम लगाया गया है 1 लाख लागत ये सब पाइप में लगा हुआ है आपको 1 लाख लगाना है 30,000 अब ये कितना दिन का है दिखा सकते हैं अभी कितना दिन का है ये मछली जो है मोटा मोटी मछली तो सब 3 महीना का है 3 महीना का कितना बड़ा हुआ है 3 महीना में कितना बड़ा हुआ है राकेश तभी तो आएगा इधर ना। सुबह में लोग खाना खाया था। अच्छा इसका भी टाइमिंग रहता है, एनी टाइम नहीं खाता है रात में ज्यादा खाता है। अरे जब हम लोग सोते सिंघी के साथ, हाँ सिंघी मछली रात में ही खाना खाता है ज्यादा। इसमें सिर्फ सिंघी ही है जी, कवई था कवई निकाल दिया गया सर। साथ में कौन सा मछली रह सकता है एक साथ में? साथ में कोई नहीं, सिंगल ही डालना है उसे। सिंगल सिंगल एक प्रजाति का मछली दूसरी मछली को सोचिएगा सर कि घट का है। तालाब में 2-3 क्वालिटी का रख सकते हैं। तालाब में तालमेल रहता है। मोबाइल ने गिरा था ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे छानने वाला है। गिरिए दो नहीं गिरेगा तब बसंती बहरा देख लिया चारों तुझे नाचना होगा आज बहरा नहीं मछली बोलिए मछली कुमारी मछली रानी बोलिए मछली जल की रानी है इधरों से किधरों ने है इसमें क्या है सिंघी सब सिंघी आप कर रहे हैं आप लोग को सर सब खरीदना नहीं पड़ता होगा मछली क्यों खरीदेगा खुद बच्चा तैयार करते हैं नहीं नहीं खाने के लिए खरीदना नहीं पड़ता होगा खाने के लिए क्या खरीदेंगे खाने के लिए क्या करेंगे जी सर बच्चा का तैयार करते हैं यहाँ फंगास होता है आपका सिंगी होता है अब इसमें आपका जितना TDS मास्टर किट का 3500 जी अच्छा TDS किट आएगा आपको 1050 और THB किट आएगा 800-900 ऑनलाइन से मिल जाएगा यहाँ हाँ ऑनलाइन से भी मंगा सकते हैं आप यहाँ से भी ले सकते हैं आपके पास भी है हाँ, तो 10 अंक का नंबर दे दीजिए मोबाइल नंबर कितना लागत पड़ेगा प्रॉफिट क्या होगा
प्रॉफिट आपको 50% दसों का मोहल्ले में ले लीजिए तब तक तिरासी 40 66 82 94 देखिए ऑनलाइन में नंबर आपका नोट हो जाएगा। ये क्या बोले फिर से बोलिएगा 83 40 66 82 94 क्या नाम लिखे हैं आपके? फिलहाल जनरेशन आने के लिए हाँ हम लोग आ रहे हैं तो देखना तो हम नहीं तो इसको खिलाने का हमको 5 बजे सुबह में 4 बजे सुबह में ही दाना डाल देगा दुकान पे जाना रहता है। सिस्टम लगी दाम पर छोटा सेटअप लगा रहे हैं 7 गो 8 गो अगर टंकी लगा रहे हैं तो ब्लोवर लगाने की जरूरत नहीं कंप्रेसर हाँ वो लगाने से क्या कि आप इन्वर्टर से भी चला लीजिएगा और ये इन्वर्टर से नहीं चलता ठीक है वो लगाने में ज्यादा और ये आपका चलेगा ही नहीं इन्वर्टर जी वो लगाने में ही फायदा ही है लगाना क्या कीजिए ऑक्सीजन टैंक ये है दो को लगा हुआ ना दो एक ही में लगा हुआ है एक हाथी ना मरता है वही है जस्ट फोटो लीजिए आप लोग कंपनी वाला क्या सिंगल से चलता है सिंगल पे ये है इन्वर्टर से चलता है इन्वर्टर पे नहीं चलता है ये बड़ा वाला है ये नहीं चलता इसमें अप्लाई करना है राज्य के बाहर है राज्य के अंदर है ट्रेनिंग है ठीक है भेजा जाएगा वैसे लोग जो इंटरेस्टेड है जाने के लिए उनको अप्लाई करना है उनसे अप्लाई करवाएंगे और पानी से जांच से लेकर दवा 5 दिन का और ट्रेनिंग रहता है जिसमें उकले में की बाहर राज्य के अंदर भी है राज्य के बाहर भी दोनों व्यवस्था जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं विभाग आपको वहाँ तक पहुँचा देगा राज्य के बाहर से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं कोलकाता है और एक पंत नगर में ये दो जगह है दो जगह से वहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाती है तो बिहार के राज्य के अंदर में हो गया पटना हो गया भागलपुर हो गया किशनगंज ट्रेनिंग में भी आपको थ्योरी कराया जाता है जरूरी है क्योंकि देखिए पानी का सबसे बड़ा इसमें दिक्कत है और फिर उसका मेंटेनेंस भी है खाना पीना का भी कितने का 10 का कैपेसिटी है वो कितने का है 1 से 10 में हो जा सकता है 10 का कैपेसिटी है और हम 5 टैंक बैठा दो एक में काम करेगा इसका 20 में कितना ये आज जो मशीन लगा इसका कितना कॉस्ट पड़ रहा है इसका सब 26,000 का लमसम दोनों मिला के सिंगल 26,000 में 20 टैंक 10 टैंक ऐसे निकालने जो अंदाज करते हुए हम चल चलते हैं लेकिन इसके बारे में थोड़ा गहराई से जानने के बाद ही हम इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे टूर का मतलब वही है कि और हमको चीजों को जानना है बारीकी से ताकि हम लोग यहाँ तक भी पहुँचे ये भी जब शुरू किए थे उस समय भी हम लोग जैसे सोच रहे थे नजरअंदाज करते हुए चले होंगे कहीं पर देखे होंगे तो गौर से सुने होंगे गौर से देखे होंगे ठीक है उसी में से अपना आज के डेट में एक्सपेंड कर रहे हैं और आने वाले समय में इनका बिजनेस और एक्सपेंड होगा ही अभी इतना देख रहे हैं और भी एक्सपेंड होगा ही होगा चलिए अब एक्चुअली एक्वेरियम में हमें पढ़ाते हैं तो मार्केट में बेचते हैं ये भी बिजनेस है ठीक है आइए मत से हेज Thank you.
सिंगी है, सिंगी है, उसके अंदर भी घंटा है। खास थोड़ा सा दाना आप डालिए। यहाँ पे मछली है, यहाँ बोल रहा है मछली, वहाँ आपका लगता है मछली नहीं होगा। कौन सा चाइना मॉल है? हाँ देखिए, हाँ देखिए, खाएं तरह खाएं। हाँ पकड़िए पकड़िए, चना मुंगरी है, चना मुंगरी है ना। कितना दिन का है? हेलो, हाँ कौन जी? नहीं, मम्मी का वही। चलो जी, ये तो उसमें वो वाला मछली है, 100 पीस वाला मछली है ना। हाँ 100 वाला। फटा हुआ है वो, इसका ज्यादा रेट मिलेगा। नहीं आता है तो बोले थे इसका जनरेशन मिलता है, बोले मैं देखिए हो रहा है ना। हाँ तो इसका जनरेशन तो मिल नहीं करेगा। दिखाई 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 दिखाई, मछली है मछली। एक्वेरियम सब करके वो करके फाइनल करके आपको पहुँच जाएगा। अरे पानी घर में डालिएगा, बाल्टी लेके आइएगा। बाल्टी लेके आना होगा सर, बाल्टी लेके आना, फट जाएगा। हाँ वजन तो काफी है। अच्छा यहाँ पे मशीन दिखाइए, कौन सा मशीन जांच करते हैं? ये लाइट हो गया, ठीक है ये लाइट हो गया, ये लाइट हो गया आपको। दिल मोहन मोहन देखिए लाइट हो गया, ये लाइट हो गया। इसे क्या, इसे क्या जांच करते हैं? नहीं नहीं ये एक्वेरियम का है। अच्छा एक्वेरियम का है? नहीं एक्वेरियम का नहीं, वहाँ जो बोले थे जांच करने वाला मशीन जो आपका टीडीएस पीएच मीटर। हाँ टीडीएस पीएच मीटर, ऑन करके ठीक है, और इतना पानी में घुसाया जाता है तो इसमें आपको बता देगा ठीक है। इतना घुसाइए पानी, पीएच मीटर पानी और डाल के बताइए। पॉइंट चलो है, इसमें पॉइंट चलने लगा क्या? हाँ इसमें ना आपको पॉइंट बताएगा 700-800 ऐसे बताएगा आपका ठीक है। अच्छा गिलास 8 तरह का लिक्विड रहता है, 200 और 200 गिलास टाइप का रहेगा, लंबा लंबा 4, उसमें पानी डाल के लिक्विड डालिएगा, उसमें क्वांटिटी क्या डालना है नहीं डालना है उसमें सारा कुछ लिखा रहता है आपको, उसमें कार्ड भी देता है ठीक है।
कौन कलर आने से कितना में क्या होता है, कौन कलर आने से सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा एक बार में सब लोग बता देंगे ना। हाँ तो वो सब किट सर आता है डायरेक्ट चला जाए ऑर्डर पे रहता है जैसे कि आपके पास खत्म हो गया अब आए अब चल गए अब नहीं ना मना कर सकते हैं कि सर नहीं ले जाइए ले जाइए जांच करके आप वो इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ मदर भी रखते हैं हम लोग इससे भी ब्रीडिंग यहाँ भी होता है क्रॉस मैच हो जाता है। हाँ तो हमारा फोटो नहीं लगेगा।